रामलीला मैदान में मजदूर किसान संघर्ष रैली, ह्यूज रैली का आयोजन किया गया है। और ये आयोजन सीपीएम से जो एफिलिएटेड संगठन हैं, चाहे वो अखिल भारतीय खेतिहर मजदूर संगठन हो, चाहे वो सीटू हो जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन का ऑर्गेनाइजेशन है, और या अन्य आंगनबाड़ी और तमाम अन्य संगठन जो हैं उसे एफिलिएटेड संगठन हैं, उनको लेकर के एक बड़ी विशाल रैली, ह्यूज रैली आप देख सकते हैं। लगभग ये पूरा जो रामलीला मैदान है वो भरा हुआ है। और यहाँ पे ये जिस मंच पे हम खड़े हैं, वो मंच तकरीबन 15 फीट ऊंचा बनाया गया है, और इसकी लंबाई कम से कम 30 फुट या 30 फुट से ज़्यादा ही होगी, 50 फुट के आसपास होगी ये मंच, देखिए। और यहाँ से लोग भाषण, पूरे देश भर से जो सीपीएम के बड़े लीडरान हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। प्रकाश कारत अभी दिखे हैं, वृंदा कारत भी मौजूद हैं, और जो सीपीएम के महासचिव हैं सीताराम येचुरी, उन्होंने अभी कल ही एक वीडियो जारी करके इस रैली का समर्थन किया है। इस रैली को लेकर के बहुत ही उत्साह था, पिछले एक महीने से इस रैली की तैयारी हो रही थी, पूरे देश भर से, दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर के, और तमाम जितने भी राज्य हैं दिल्ली के आसपास, वहाँ से भारी संख्या में लोग आए हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि जो ये रैली है, ये रैली एक तरीके से जितना यहाँ पे दिख रहा है हुजूम, इससे इतना ही हुजूम लगभग इसके बाहर है, रामलीला मैदान के बाहर है। और अभी ये पता चला है कि लगभग 10 बसों को जो हरियाणा पंजाब से आ रही थी, उन्हें सिंघू बॉर्डर पर रोक दिया गया है। बहुत हाई सिक्योरिटी है चारों तरफ, लेकिन अभी एक दिन पहले ये सुनाई दे रहा था कि यहाँ से ये रैली संसद भवन तक मार्च करेगी, लेकिन अभी जो ताज़ा खबर है उसके अनुसार यहाँ पे ये सभा होने के बाद इसको इस रैली को यहीं पे समापन कर दिया जाएगा, और कोई संसद मार्ग तक जाने का कोई इरादा नहीं है। तो हम एक बार आपको पूरा ये नज़ारा आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी ह्यूज पैमाने पर लोग आए हुए हैं। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे लोग दिखे हमें, साउथ के बहुत सारे, तमिलनाडु से बहुत, लगभग कहा ये जा रहा है, इनका दावा ये है कि 3700 लोग वहाँ से आए हैं। बहुत सारे लोग जो हैं इनके एक दिन पहले ही यहाँ पे पहुँच गए थे। और यहाँ पे अभी कुछ ही दिन पहले किसानों की एक रैली हुई थी, और जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसके नेतृत्व में, और उन्होंने भी सेम वही बात कही। और एक बात जो राहुल गांधी लगातार रिपीट कर रहे हैं कि ये सरकार जो है अडानी को गोद ले लिया है, और ये मोडानी सरकार है, मोदी और अडानी की सरकार है, ये आरएसएस अमित शाह कॉरपोरेट, आरएसएस मोदी अमित शाह की सरकार है, और ये सरकार लगातार देश के जो सरकारी संसाधन हैं, जो सार्वजनिक संसाधन हैं, उनको बेच रही है। तो हम एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं कि तपन सेन भी बैठे हुए हैं, सीटू के लीडर हैं। जो हम कह रहे थे कि राहुल गांधी ने जिस सवाल को उठाया है, वो सवाल एक तरीके से यहाँ पे रेजोनेट करता हुआ दिख रहा है। जो भी रैली हो रही है उसे मोदी अडानी की बात जो है बार बार आ रही है, क्योंकि अडानी पर हिंडनबर्ग जो अमेरिकी कंपनी है, जो शॉर्ट सेलर कंपनी है, उसने आरोप लगाए थे कि उसने मैनिपुलेट करके अपने शेयर के दामों को बढ़ाया है। और ये खबर आने के बाद ही जनवरी में ये खबर आई, और उसके बाद अडानी की जो संपत्ति थी, जो $120 के आसपास थी, 100 अरब डॉलर के ऊपर थी, वो अचानक एक हफ्ते के अंदर $30 में बदल गई, $30 हो गई, और अभी फ़िलहाल वो 40-45 के बीच में इनकी संपत्ति बनी हुई है। उसके बावजूद इतना बड़ा एलिगेशन लगने के बाद भी मोदी सरकार ने उनको डिफेंस, जो देश का जो रक्षा सौदा है, उसमें हिस्सेदारी दी है जो अडानी की कंपनी है। तो इन सारी चीज़ों से लेकर के लोगों में काफ़ी आक्रोश है, और जिस अंधाधुंध तरीके से प्राइवेटाइजेशन जारी है उसको लेकर के भी लोगों में रोष है। इस रैली का जो मंच बना है, उस मंच के बारे में जो मैं बता रहा था कि लगभग 10 फुट, मैं 15 फुट बता रहा था, लेकिन 10-12 फुट के आसपास ये इसकी ऊंचाई है, और इस पर ये लगभग 50 फुट के आसपास से ज़्यादा ही इसकी लंबाई है, ऊंचाई इसकी 10-15 फुट है, और इतना विशाल जो मंच बनाया गया है। क्या मांग है हमारे किसान?
किसानों की मांग है। मैं आपको एक कार्पोरेटर जैसे लोग आए हैं उनमें क्या मांग, जनता को परेशान कर रहे हैं, उनकी जमीनों को छुड़ा रहे हैं, उनके बारे में गांव में आप अगर देखिए किसान संगठन से जुड़े हुए हैं और एमएसपी भी एक बहुत बड़ा डिमांड जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था तो उस किसान आंदोलन की प्रमुख मांग थी, प्रमुख मांगों में से एक मांग थी कि एमएसपी को लागू किया जाए और हर जो फसल है हर एक फसल के लिए एमएसपी लागू किया जाए। कहाँ से आए हैं आप? गाजीपुर से, जिला गाजीपुर से। गाजीपुर यूपी से? यूपी से, यूपी से। क्या डिमांड क्या है आप? समस्या ये है कि जमीन वो कोई बड़े बड़े लोग हम लोग को लूट रहा है, भगा रहा है, वहाँ से बेदखल कर रहा है। हाँ, जैसे बाप दादा के कागज पत्थर हर चीज़ है, न डीएम सुन रहा है, न जिला के, न तहसील के, न कोई अधिकारी नहीं सुनता है, हम लोग के भगा रहा है। कौन से जात से हैं? हम मुसहर जात के हैं, बम्बा से। जिला गाजीपुर थाना बहरियाबाद अमीरपुर प्यारेपुर गांव में नाम अमर परमीला है, मलकार का नाम गुलाब है। हमारी जमीन को बाबू साहेब नाम कटवा के अपन नाम चढ़वा के सारी जमीन बेच दे ले, कब्जा आधा जमीन ले ले, ले आधा घर द्वार गिरावे की कोशिश कर रहे हैं। खाए बिना मर जाते हैं, कौन चीज मिलता ना तो क्या करते हैं? सरकार ये कितना डेस्परेशन है जनता के बीच में कि यहाँ पे ज्यादा जो खेतिहर मजदूर या जो लोग आए हुए हैं वो किस तरीके से अपने एक फरियाद के स्वरूप में भी आए हैं कि हो सकता है कि उनकी बात यहाँ सुन ली जाए, क्योंकि जो लोकल गुंडे हैं जो ऊंची जाति के हैं उन्होंने इनकी जमीन को छीन लिया, उस जमीन को छीना ही नहीं कब्जा करके बेच दिया है, अब ये दर दर की ठोकर खा रहे हैं, न्याय मिल नहीं रहा है, डीएम के यहाँ जा रहे हैं, एसपी के यहाँ जा रहे हैं, लेकिन ये नेपाल साहब उल्टा रिपोर्ट लगा के भेज देते हम, राम बचन राम बिलास यादव हम और का बोला ला के हीरा यादव हम, संजय सोनकर हम, सूरज सोनकर हम, सब हम लोग कहाँ जाए, हमारी आवाज मोदी सरकार के अंदर पहुँचाना चाहिए, हमारे कब्जा दिलवाना चाहिए। तो ये जो है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं जिनके बीच में काम है, क्योंकि देखिए हम लोग कर्मसर है, हम लोग जमीन के खातिर आया है यहाँ पर धरना देने, हम लोग के तनखो एक बीसा जमीन नहीं है, ना हम लोग के धंधा मिलता है, प्रधान हम लोग के धंधा नहीं देता है, कैसे रोटी रोजी चलेगा? हमारी संता नाम है, हमको पेंशन नहीं मिलता, पेंशन बनता है। तो ये सारे लोग गाजीपुर से हैं, उत्तर प्रदेश मुसहर समाज के, बनवासी मुसहर समाज के लोग हैं, और इन सभी की अपनी अपनी समस्या है, किसी की जमीन नहीं है, किसी को जमीन छीन ली गई है, किसी को पेंशन नहीं मिल रहा है सरकारी, आप बताइए कि ये समस्या कैसे हल होगी, कैसे आप सोच रहे हैं? ये समस्या अभी रैली निकल रही है, आई है दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के अंदर जो समस्या यह है, यह अनुसूचित जाति में रखे गए हैं मुसहर समाज के लोग, लेकिन यह मध्य प्रदेश और पूरे देश में यह एसटी में है, लेकिन यह सरकार 2014 में मोदी सरकार ने वादा किया था कि हम सरकार बनने के बाद हम इनको जनजाति का दर्जा उत्तर प्रदेश में देंगे। दूसरी बात यह जो पूरे गांव में जहां भी बसे हैं, भीटे पोखरे खरिहान ऊसर इस तरह के ज़मीनों पर बसे हैं, सरकार कभी भी इनके ऊपर बुलडोजर चला रही है और निकाल ले, इनके पास एक धूर भी जमीन इनके नाम से नहीं है, और यह किसी तरह से एक घर झोपड़ी बना करके उसी में अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। वहाँ कोई रैली निकाले आप लोग? जी हाँ, वहाँ रैली निकाले, एसडीएम के यहाँ निकाले, एसडीएम को ज्ञापन दिए, जिला अधिकारी को ज्ञापन दिए, कई बार निकाले, लेकिन यहाँ से जाने के बाद हम गाजीपुर में और हर तहसील पे अनिश्चितकालीन धरने का हमें आपके माध्यम मोबाइल के माध्यम से हम ये चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर वनवासियों का सवाल, इनको जमीन का सवाल, इनके आवाज़ का सवाल, इनका पेंशन का सवाल और जनजाति का सवाल अगर नहीं हल हुआ तो हम अनिश्चितकालीन धरना के लिए बाध्य होंगे। थैंक यू। अपना नाम बता दीजिए। वीरेंद्र कुमार गौतम, उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन का जिला मंत्री। तो वीरेंद्र कुमार क्या क्या बताइए, छोड़िए छोड़िए बताइए।
साहब हमके इधर इधर पेंशन नहीं मिला है, नहीं परिवार में किसी का पेंशन नहीं है, सरकार का सरकारी योजना का कोई लाभ इनके पास नहीं पहुंच रहा है। और दूसरी बात है कि जो सरकार ने आवास दिया था इनको, वो जो लॉकडाउन में दिया था 1,20,000 का आवास दिया था, और ईट सीमेंट गिट्टी बालू का इतना रेट था कि कर्ज में लेकर के इन्होंने आवास बनाई है, कर्ज में लेकर के बनाई है। इनके ऊपर 50,000 से लेके 80,000 तक कर्ज है। आज भी ये कर्जदार इनके घर दौड़ रहे हैं, कहीं सामूहिक समूह का पैसा है, कहीं बैंक का पैसा है। हम आंगनबाड़ी टीचर है सर, हमारे तेलंगाना में 60 साल हुए तो भी 70 साल हुए तो भी और रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं है, तो बहुत मुश्किल से ड्यूटियाँ करना पड़ रहा है हम बड़े बड़े लोग औरतों को। कुछ औरत ऐसा ये काम देख के ऑनलाइन काम हो गए सर, अब पूरा वो ऑनलाइन काम से पूरा उन लोगों को हार्ट बीट हो गया और हार्ट अटैक से मर जा रहा है, और कुछ बीमारियाँ आके मर जा रहे औरत। फिर भी हमारे स्टेट में हमारे आंगनबाड़ी टीचरों को रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं दे रहे और पेंशन भी नहीं दे रहे सर, और मिनी टीचर भी है सर उन लोगों को IMA का सैलरी दे रहा और टीचर का काम करवा रहे, और हमारे को भी पूरा ऑनलाइन वर्क हो गई फिर भी हमारे को सैलरी बहुत कम दे रहे सर, इसलिए तो हम ये धरना कर रहे हैं। ठीक है सर। तो ये लोग तेलंगाना से आंगनबाड़ी वर्कर हैं जो आए हैं और अपनी मांगों को लेकर के, क्योंकि स्कीम वर्कर जिसमें तेलंगाना जिसमें आंगनबाड़ी आशा वर्कर्स और जितने भी लोग हैं वो स्कीम वर्कर्स जो एक तरीके से मानदेय पर काम कर रहे हैं, वो उनकी बहुत लंबे समय से वो अपनी मांग कर रहे हैं, और कुछ कुछ राज्यों ने अपनी तरफ से बढ़ाया है उनके मानदेय को, लेकिन अभी भी उनको वर्कर के तौर पर मान्यता नहीं सरकार दे रही है, केंद्र सरकार नहीं दे रही है, इसको लेकर के भी काफ़ी आक्रोश है। तो वो लोग एक बड़ा वर्ग है इस देश में जो इस मांग को लेकर के लगातार संघर्षरत है। अभी दिल्ली में कुछ महीने पहले आपने देखा होगा कि आशा वर्कर्स का एक बहुत बड़ा धरना केजरीवाल सरकार के खिलाफ था, अंततः उस धरने का कुछ हुआ नहीं क्योंकि सरकार ने आर्बिट्रेरली तरीके से एकदम मनमाने तरीके से बहुत लगभग कई सौ आंगनबाड़ी वर्करों को जो है उन्होंने टर्मिनेट कर दिया, उनकी सेवा ख़त्म कर दी, उन पर जांच बैठा दी, तो इसलिए उसको वो आंदोलन दब गया। लेकिन अभी पूरे देश में जिस तरीके की बेरोजगारी है, अभी कुछ ही दिन पहले आंकड़ा आया है, दो दिन पहले की बेरोजगारी पहले के मुकाबले फिर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और वो रिजेंटमेंट जनता के अंदरूनी हिस्से में जो निचला हिस्सा है उसको उसमें वो दिखाई दे रहा है, वो रिजेंटमेंट है लोगों में, और लोग रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखिए, हम फिर से आपको ले चल रहे हैं कि ये एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट बनाया गया है धूप से बचने के लिए। झंडे जो हैं, झंडे के जो झंडा लगाने वाला जो डंडा है, उस चार डंडे से इन्होंने, कहाँ से आए हैं? आई एम कमिंग फ्रॉम केरला, त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट इन गुरुवायूर टेम्पल डियर। व्हाट इज योर डिमांड एंड प्लीज ब्रीफ? मेन डिमांड द मिनिमम वेज फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर ആൻഡ് കർഷകരെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് മിനിമം എസൻഷ്യലായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ വാല്യൂ, റിയൽ വാല്യൂ ടു കളക്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ദി റിയൽ വാല്യൂ ഫോർ ദി അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. तो केरला से आए हैं, साउथ के माने ये जो मिक्स जो क्राउड है वो सिर्फ नॉर्थ इंडियन की नहीं है, नॉर्थ इंडिया की जो हालत है वो अभी अपने आप में यहाँ पे BJP का बहुत और RSS का बहुत सारा प्रभाव है, और उसकी वजह से जो कम्युनल टेंशन है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे वो उसका असर दिखता है, जिसकी वजह से जो एक वर्गीय एकता है वो उस वर्गीय एकता को का कोई स्कोप नहीं यहाँ पे अभी दिखाई देता है। हालांकि नॉर्थ इंडिया में पंजाब और हरियाणा ने किसान आंदोलन के दौरान बहुत बड़ी महती भूमिका भी निभाई थी, और वो किसानों के मुद्दे पर एक जो प्रदर्शन और जो जिस ताकत के साथ उन्होंने अपनी बात को मनवाई और आगे भी वो एकजुटता बनाए हुए हैं, वो एक एक एक्सेप्शन कहा जा सकता है, क्योंकि उसका जो रिजेम्बलेंस है, उसका जो एक तरीके से प्रतिबिंब है, वो
वहाँ नहीं कर पाया, जो पूर्वी यूपी है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, वहाँ पे उसका नहीं हो पाया। मैं आपको अंत में कुछ एक मांगों का एक लिस्ट वहाँ पे है, वो लिस्ट मैं पढ़ूंगा और ये बताने की कोशिश करूँगा कि क्या क्या कुछ जो है मांग C2AIKS और AIAW ने रखी है सरकार के सामने, वो पढ़ करके मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि एक बड़ी जो चीज़ है कि सबसे पहली प्रमुख मांग है कि जो सार्वजनिक संपत्तियाँ हैं उनको बेचना बंद किया जाए, और ये उसका असर ही है शायद कि अभी कुछ ही दिन पहले जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उन्होंने ये कहा कि हम बेचने की जल्दबाजी में नहीं हैं। तो ये है कि ये इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी इसमें मनरेगा में जो प्रतिदिन 600 रुपये मजदूरी करने का की मांग रखी गई है, और 200 दिन कम से कम मनरेगा के कामों की गारंटी की मांग रखी गई है। शहरी क्षेत्रों में मनरेगा जैसा कोई जॉब गारंटी स्कीम शुरुआत करने की मांग की गई है। खेतिहर मजदूरों का जो कर्ज है वो माफ़ करने की बात की गई है, और जो अति अमीर हैं उन पर टैक्स लगाने की मांग की गई है, और जनता पर टैक्स को कम करने की मांग की गई है। सभी स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा और आवास की सुविधा को सुनिश्चित करने की मांग की गई है। इस तरह से कई सारी मांग है। हाँ, एक मांग जो है लेबर कोड को रद्द करने की मांग की गई है, क्योंकि C2 इस पूरे आयोजन का C2 एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो C2 की मांग रही है कि 4 लेबर कोड को रद्द किया जाए, क्योंकि उन लेबर कोड को ला करके बहुत सारे जो लेबर लॉज हैं उनको खत्म कर दिया गया है। तो एक ये एक प्रमुख मांग मजदूरों की तरफ से है और किसानों की तरफ से है कि MSP लागू किया जाए, और छोटी जोत के जो मजदूर हैं, जो खेतिहर मजदूर हैं, उनको उनको मुआवजा दिया जाए, और उनको जो कर्ज दिया गया है उसकी माफ़ी हो। ये एक देखिए बैनर है जिसके नीचे इन्होंने एक जुगाड़ करके छांव बनाने की कोशिश की है, छांव में, और ये धनबाद से शायद लोग आए हैं। केंद्र सरकार के राष्ट्रविरोधी, जनविरोधी, कारपोरेट परस्त विभाजनकारी नीतियों के खिलाफ मजदूर किसान संघर्ष मोर्चा 5 अप्रैल 2023 को दिल्ली में संघर्ष रैली, ये संघर्ष रैली का नाम दिया गया है। आप लोग कहाँ से आए हैं? केरला। कितने लोग आए होंगे केरला से? हाउ मेनी पीपल केम फ्रॉम केरला? 21 व्हाट फ्रॉम केसीबी? वी केम फ्रॉम केरला फॉर अटेंडिंग दिस रैली। व्हाट इज मेन डिमांड इन केरला? It is not only the demand of Kerala, it's the demand of whole India, that the whole the workers as well as whole the farmers are facing a lot of problems, and the government is not attending these kind of basic things that has to be attended by a government. I think it is not only the problem that is facing in Kerala, it's the problems are being faced by the whole Indian, the class of people who have been depressed or suppressed by this government. So, ये पूरे कह रहे हैं कि पूरे देश का मसला है, सिर्फ केरला का मसला नहीं है, और सरकार कुछ भी सुनने को राजी नहीं है। तो केरला से भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तमिलनाडु से आए हैं, कर्नाटक से आए हैं, कर्नाटक में अभी चुनाव चल रहा है, और महाराष्ट्र से भी बहुत सारे लोग आए हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी कुछ ही दिन पहले CPM के ही कुछ ऑर्गेनाइजेशन और कुछ लोकल ऑर्गेनाइजेशन ने मिल करके एक पद यात्रा निकाली थी नासिक से मुंबई तक, और इनकी डिमांड वही थी कि इनको जो है उनको ज़मीन दी जाए, क्योंकि जो वन अधिकार के तहत जो ज़मीन का जो दावा है वो नहीं सरकार कबूल कर रही थी। तो उसको लेकर के एक बार बहुत पहले भी उन्होंने पैदल मार्च किया था, और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने फिर पैदल मार्च किया, और सरकार से उनके बीच कोई समझौता हुआ है। आइए इनसे पूछते हैं कि कहाँ से हैं आप? हम लोग महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र मुंबई से। नासिक में अभी पैदल मार्च हुआ था नासिक से मुंबई तक, क्या हुआ उसमें? उसमें भी हम लोग शामिल थे, किसानों को जो गवर्नमेंट की जो ज़मीन है, किसान जो उसमें खेती करते हैं वो ज़मीन उनके नाम पे करना किसान चाहते। दूसरा कि जो कर्जा माफ़ी सरकार ने बोला था वो दिया नहीं था, वो भी कर्जा माफ़ी किसान को चाहिए, तो वो मांगे भी लगभग महाराष्ट्र सरकार ने एग्रीड की है,
और उसके के नहीं, पिछली बार भी तो एग्री किया था लेकिन किया नहीं, लेकिन इस बार क्या सबूत है कि वो एग्री हो गई है फिर भी कर देगी? अगर वो इस बार भी अगर उनके बात से मुकर जाएगी तो हम लोग वापस उसके खिलाफ लॉन्ग मार्च निकालेंगे, फिर हटेंगे नहीं, मुंबई जाम कर देंगे। कोई अल्टीमेटम दिया आपने? अल्टीमेटम तो 1.5 महीने का दिया है, हमारी तरफ से मतलब एक कमेटी बिठाई गई है जिसमें हमारे एक MLA है विनोद निकोले जी और जो लॉन्ग मार्च के प्रणेता जो है JP गावित, वो कमेटी में शामिल है। यानी कि मई में फिर से वो वापस हम जाएंगे, अगर वो GR नहीं निकलेगा तो हम लोग वापस जाएंगे। ठीक, क्या नाम आप? मेरा नाम विजय, कॉमरेड विजय विषय। विजय विषय, तो विजय विषय जी हैं, और आप कौन क्या हैं? कॉमरेड तुकाराम सोंजे, महाराष्ट्र नासिक से। नासिक से संतोष काकड़े, C2 सेक्रेटरी। C2 सेक्रेटरी हैं। तो यहाँ पे खेतिहर मजदूर यूनियन, मजदूर यूनियन यानी कि जो C2 है, सेंट्रल ट्रेड यूनियन, तो उनकी बड़ी भारी संख्या में लोग आए हुए हैं। और अभी नासिक के बारे में जो मैं बात कर रहा था कि महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा पैदल मार्च ऑलरेडी हो चुका है और जनता धीरे धीरे सड़क पर उतर रही है, और अभी ये बात चल रही थी कि पिछले 1 महीने से फ्रांस में, जर्मनी में, पूरे यूरोप में धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन भारत में क्या हो रहा है? तो भारत में स्थिति यह है कि आज कितनी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आई होंगी, का अगर छोटा सा अगर कोई कम्युनल वायलेंस हो जाए तो वहाँ पे अंजना ओम कश्यप से लेकर के और सुधीर चौधरी तक पहुँच जाते हैं, लेकिन जो जनता की जरूर, जनता का जो मेन मुद्दा है उस पर कोई मीडिया यहाँ पे आने को राजी नहीं है। और मीडिया में मुझे पूरा यह आशंका है कि मीडिया में इसको लेकर के चुप्पी साधी जाएगी और ये दिखाने की कोशिश होगी कि सरकार के खिलाफ कोई रिजेंटमेंट नहीं है। हाँ, आपका नाम क्या है? मनीष। हम लोग WU लाइव करके एक YouTube चैनल है, उससे WU लाइव। तो ये पूछ रहे थे कि क्या चैनल का नाम क्या है, तो हम लोग अब देखिए पंजाब से भी लोग आए हैं, पंजाब से हैं, अमृतसर से। क्या चल रहा है पंजाब में? पंजाब में, पंजाब में जो है मोदी सरकार जो गलत कानून बना रही मजदूरों के विरुद्ध, जो ट्रेड यूनियन ने जो कृतियां के लिए कानून बने थे 40 अंग्रेजा के वेले तो लेके आज तक बड़े संघर्ष करके और आंदोलन करके और कुर्बानियां देके 44 कानून बनाए, जो 44 चार कोडा च वंड रही है मोदी सरकार। पर असी देश के अंदर CITU वालों ट्रेड यूनियन लड़ रही आ, दूसरिया ट्रेड यूनियन लड़ रही वा कि ये कानून जो कभी भी असी बहाल नहीं होता, वा कि 44 कानून जो पहले बने उ लागू रहे। अभी आप किसान आंदोलन क्या फिर से उभरेगा या क्या लग रहा है? किसान आंदोलन जो 3 कानून काले बनाए थे, जो किसानी के MSP जो कानूनी जी बनाई जाए कि वो सहायता जी मिलनी चाहिए, MSP हर जिन्स के उत्ते मिलनी चाहिए, कणक उपर चूनी उपर। हाँ, मिलनी चाहिए, लेकिन अभी क्या लग रहा है किसान फिर आएंगे? हाँ, ये आंदोलन तो चलता रहेगा जब तक कानून मोदी सरकार दबाएगी किसान को, पर किसान नहीं दबाया जाएगा, मजदूर भी नहीं दबाया जाएगा। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, पंजाब से लोग आए हैं और किसान आंदोलन का जो है वो एक तरीके से अभी वो जारी है, और जब तक कह रहे हैं कि जब तक मांग नहीं पूरी हो जाती है तब तक वो तो हम चलते हैं, थोड़ा कुछ अन्य लोगों से भी मिलते हैं। और ये शायद कर्नाटक से हैं क्या? कहाँ से हैं? सर, हम हैदराबाद से हैं, हम रेलवे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर से हैं। हमारे को बहुत तकलीफ है, पेमेंट टाइम पे नहीं आता है, आप पूछो तो हमारे को जवाब नहीं आता गवर्नमेंट से। हाँ साईं, ये कुछ फैसिलिटी कुछ नहीं है हमारे, बहुत मुश्किल में हम गुजार रहे। ऐसा बहुत लाखों लोग हैं रेलवे में करने वाले कर्मचारी, उसके उनके लिए कुछ अच्छा करो। तो आप तेलंगाना से हैं या आंध्र? तेलंगाना, तेलंगाना, तेलंगाना से। क्यों मतलब रेलवे में जो कितने लोग आए हैं तेलंगाना? हम तो 40-50 लोग आए, पूरा डिवाइडेड हो गया। मेरा नाम फरहाना है, हम रेलवे में ड्यूटी करते, क्लीनिंग करते गाड़े, हमारे को टाइम पे तनखा नहीं आता सर, तनखा बहुत कम आ रहा हमारे को, बोनस नहीं आ रहा हमारे को, बोनस होना, तनखा टाइम पे आना, 10 तारीख को तनखा आना। हम 16 साल से काम कर रहे हैं रेलवे में, काचीगुड़ा रेलवे, हर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है हमारा। हाँ,
सर। हाँ, नाइट वाले शिफ्ट रहता, डे वाले शिफ्ट रहता। तो ये जो लोग हैं, इसमें से कुछ लोग हैं जो हैदराबाद में रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, डे नाइट काम करते हैं, ये महिलाएं हैं, और ये बता रहे हैं कि जो सरकार की तरफ से सैलरी मिलती है उसमें कॉन्ट्रैक्टर उनको उतना नहीं देता है, और रेगुलराइजेशन का भी मसला है, नियमितीकरण नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जब पूरी रेलवे प्राइवेट हो रही है तो आप लोगों की नौकरी कैसे रेगुलर होगी? And my dear comrades who have come from the nook and corners of India. Railway, Nampally Railway. Rakshak contractor. All of you. Rakshak contractor. Pachyasram. Salary. Rawalani. On behalf of the Rawalani. Permanent Rawalani. My duty. I would like to. Meeting. तो ये लोग हैदराबाद से हैं, आए हुए हैं, और हमें दूर से पकड़ के ले आए हैं कि इनकी बात सुनी जाए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी बात को सुना जाना चाहते हैं, क्योंकि मीडिया के पास इनके लिए समय नहीं है। मीडिया के पास सिर्फ कम्युनल और बीजेपी का जो एजेंडा है उसको ये कुछ कहना चाहते हैं सर। ऐसा नहीं, जो इस सरकार ने, मोदी सरकार ने जो वादे किए थे ना कि हम सभी को रोजगार देंगे, पढ़े लिखे बच्चों को, आज तक किसी ने किसी को रोजगार नहीं दिया। रोजगार की तो बात करता है, पर इसने तो बेरोजगार कर दिए। गरीब के लिए खाने के लिए नाश अन्य नहीं है, पैसा तो तब मिलेगा उनको जब कहीं नौकरियां छोड़ी हो, वैकेंसी हो कहीं देने के लिए। कोई ऐसी जगह ही नहीं है। जो रेलवे वो बेखाई, हेल्थ डिपार्टमेंट वो बेखाया, सारी चीज इसमें प्राइवेट कर दी, तो आप बच्चों को पढ़ा लिखाएंगे तो उनको रोजगार मिलेगा कहाँ पे? रोजगार कोई जगह ही नहीं है देने के लिए। किस चीज में देगा? रेलवे में देगा, डाकखाने में देगा, बैंक में देगा, सारे एक चीज में ही कर दिया इसने, सारा कुछ प्राइवेट कर दिया। अब प्राइवेट में मनचाने ठेकेदारी है, ठेकेदारी भी अपनी इसकी है, ठेकेदारी इसकी अपनी है। बेरोजगारी के मारे भूखमरी, चोरा छप्पी, छिनट्टागिरी, सारा कुछ आप ही होगा। धन्यवाद। ठीक है, तो ये अपने इन्होंने अपने मन की बात, आक्रोश व्यक्त किया है कि जब बेरोजगारी बढ़ रही है उस समय जनता के बीच में अपने को सरवाइव करने की एक तरीके से जद्दोजहद है, जनता उसमें फंसी हुई है, जनता करा रही है एक तरीके से, और उसकी जो मैं कह रहा था कि उसकी सुनवाई मीडिया में नहीं है, क्योंकि मीडिया कॉरपोरेट मीडिया है, और कॉरपोरेट की जो लूट है उसके खिलाफ मीडिया बोल भी नहीं सकता है। जो छोटे मोटे मीडिया संगठन हैं उन पर तरह तरह से पाबंदियां लगाई जा रही हैं, उनको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। तो ये एक स्थिति है जिसमें हम अपनी बात भी कह रहे हैं, और जो जनता है उसके मन की बात भी हम यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग क्या सोचते हैं, कहाँ से उनको वे आउट दिखता है, कहाँ से कोई रास्ता दिखता है। क्षेत्रीय किसान सभा, ये बुलंदशहर के पश्चिमी यूपी के लोग हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? लालू बड़ाई आसाम चाय बागान का हाजिरी अभी के समय में 232 रुपया है, 232 रुपया। इसलिए आज 232 रुपया में हम लोगों को, मैंने जो अभी का जो हाजी को जो जिस पुत्रों को दान जो है, ये कह रहे हैं कि आसाम से आए हैं, आसाम में जो टी बागान है उसमें जो मजदूर हैं उनको 232 रुपये मजदूरी मिलती है, और उसको बढ़ाने के लिए, आपको बता दें कि आसाम में भी पिछले दो टर्म से वहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं, जो सरकार है वो बीजेपी की है, हिमंत बिस्वा शर्मा जो हैं बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं, लेकिन 232 रुपये जो मजदूरी है उसको बढ़ाने की के बारे में उनके मुँह से एक लफ्ज़ नहीं निकलता है। लेकिन केजरीवाल पर हमला बोलना है, विपक्षी पार्टियों पर हमला बोलना है, उसके लिए उनके पास पर्याप्त समय है। ये स्थिति है, और ये टी बागान के मजदूर लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, और अभी टी बागान का एक जो है बागान को, एक जो टी बागान है उसको उन्होंने एयरपोर्ट के लिए दे दिया है, वहाँ से उजाड़ा जा रहा है, तो वो भी सारी समस्याएं हैं। ये सारे लोग असमिया और बंगाली मजदूर हैं, तो ये लोग भी आए हैं, सारे जो ग्रीवेंसेज लेकर के, जिनके मन में एक ग्रीवेंस है वो ग्रीवेंस को लेकर के लोग यहाँ पे आए हैं। आइए चलिए हम ये बुलंदशहर शिकारपुर क्षेत्रीय किसान सभा के लोगों से मिलते हैं।
क्या बुलंदशहर से हैं? एजेंडा ये है कि जो किसानों के जो बिल हैं, जो बिजली निजीकरण में जा रही है, सबके वापस होनी चाहिए, सरकारी होनी चाहिए और वर्कर को पूरी सुविधा होनी चाहिए, इसलिए आए। और हम, मेरा नाम मोहम्मद साबिर है, मैं शिकारपुर से हूँ, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट से। बुलंदशहर से ये लोग आए हुए हैं, क्या लग रहा है मोदी सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए आए हैं। जो तमाम समस्याएं देश की वो लगातार बढ़ रही है, किसानों की हालत और ज़्यादा बदतर होती जा रही है, किसानों की फसल बरसात से बर्बाद हो चुकी है, कोई सर्वे का इंतजाम नहीं, ना कोई मुआवजे का। सरकार पे ऐसे ही पिछली हमारे धान की फसल बर्बाद हुई, गन्ने का रेट कोई एक पैसा नहीं बढ़ाया, 6 महीने तक मिल चलते हो गए और उसके बाद गन्ने का रेट उत्तर प्रदेश में घोषित किया गया। तो तमाम जो सरकार की पॉलिसियां हैं वो किसान और मजदूर विरोधी हैं और हम यही संदेश यहां देने के लिए सरकार को आए कि आने वाले समय में अगर सरकार नहीं चेती तो ये फिर किसान मजदूर मिलकर फैसला लेगा कि कोई बड़ी लड़ाई इस सरकार के खिलाफ होगी। ये एक बहुत बड़ी बात कही है कि अगर ये जो रिजेंटमेंट है इसको लेकर के सरकार अगर कोई निर्णय नहीं लेती है तो किसान मजदूर एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयारी कर सकते हैं, एक बड़ी लड़ाई उनको करनी ही पड़ेगी, ऐसा उन्होंने कहा है। किसान हैं, दिल्ली के पास रहते हैं, बुलंदशहर में हैं, तो वो उन्होंने वो किसान आंदोलन को देखा है और इस लिहाज से हौसले तो किसान मजदूरों के बुलंद हैं ही, लेकिन अभी कोई प्रॉपर जो जो रणनीति है, जो डिटर्मिनेशन है एक फासीवादी मनुवादी और कॉर्पोरेट रिजीम को ख़त्म करने का जो डिटर्मिनेशन है वो नहीं दिख अभी दिखाई नहीं दे रहा है विपक्षी पार्टियों के बीच में, और इसका जो एक पॉलिटिकल जो यूनिटी है वो बनाने की अभी कोई सूरत दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि अकेले अकेले सारी पार्टियों के बीच में मतभेद है, अकेले अकेले पार्टियां लड़ना चाहती हैं और अभी जो दो चार विधानसभा चुनाव आ रहे हैं उसमें वो चीज़ दिख रही है, और जब तक वो चीज़ सामने उसमें अगर कोई एकता कायम नहीं होती है तो 2024 का जो आम चुनाव है जो महज एक साल बाद होने वाला है उसमें कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हो पाए ऐसा दिखता नहीं है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा उस अंत में इस बात को ही ख़त्म करते हुए कि जिस तरीके से लिबरल अप्रोच अगर अपनाया जाएगा, क्योंकि ये सरकार जो है जो आरएसएस और बीजेपी की सरकार है जैसा यहाँ के वक्ता कह रहे हैं, वो जो सरकार है वो बिल्कुल भी लिबरल तरीके लिबरल उसका अप्रोच नहीं है और वो बहुत ही फासिस्टिक तरीके से बहुत ही ऑटोक्रेटिक तरीके से अपने फैसलों को लागू कर रही है, और ऐसे में किसी तरह का जो लिबरल अप्रोच है वो कोई बहुत मदद कर पाएगा विपक्षी पार्टियों का ये दिखाई नहीं देता है, क्योंकि राहुल गांधी भी जिस तरीके से बात कर रहे हैं, ऊपर ऊपर बात कर दे रहे हैं, वो उसका कोई बहुत ही असर नहीं दिख रहा है, उनके खेमे में ही कोई बहुत उत्साह वैसा उत्साह नहीं दिख रहा है, क्योंकि आइडियोलॉजिकल जब तक क्लैरिटी विपक्ष के पास नहीं होगी तब तक इस लड़ाई को जीत पाना थोड़ा मुश्किल ही है। तो हम इस लाइव को यहीं पे समाप्त करते हैं, आप लोग बने रहिए वर्कर्स के साथ, फिर मिलेंगे किसी और।